हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ एडमिट कार्ड 2024 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एसी के 506 खाली पदों को भरने के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैसे, कब और कहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने कुछ दिनों पहले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट एसी के 506 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। सिलेक्शन यहां पर आपका रिटर्न एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो यहां पर अब आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने होंगे। डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर एसी की इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट से 24 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। एग्जाम आपका 4 अगस्त 2024 को संडे के दिन कंडक्ट होने जा रहा है और आप अपने एडमिट कार्ड एग्जाम कंडक्ट होने के 5-7 दिन पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर यूपीएससी सीएपीएफ एसी एडमिट कार्ड आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पोर्टल खुलेगा। यहां पर आपको आपके एसी, जी हां दोस्तों, सीएपीएफ एसी के एडमिट कार्ड के लिए लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड यहां पर रिलीज होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। या फिर गाइस, आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करें upsc.gov.in और उसके बाद आपके सामने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का यह पोर्टल खुलेगा। आपको इस वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर एडमिट कार्ड की टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यही इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपको आपके सीएपीएफ एसी 506 पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको एग्जाम या फिर पोस्ट का नाम दे दिया जाएगा। आपको टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड सेक्शन में आकर क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने महत्वपूर्ण निर्देश यहां पर शो कर दिए जाएंगे। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके यस करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आप अपना एडमिट कार्ड दो तरह से डाउनलोड कर सकते हो, बाय रजिस्ट्रेशन आईडी और बाय रोल नंबर। आप किसी भी ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। अगर आप बाय रजिस्ट्रेशन आईडी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप बाय रोल नंबर यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी, ये कैप्चा कोड एंटर करना होगा और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे कि क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किस डेट को किस वेन्यू पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो, किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो, सभी जनरल इंस्ट्रक्शन और डिटेल्स आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है। उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। गाइस, आपको अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ ही अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर एक वैलिड फोटो एक पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि कोई आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। बिना इनके एग्जामिनर आपको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना यूपीएससी सीएपीएफ एसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड नोटिस पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो आपका यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एसीएस का एग्जाम 4/8/2024 यानी कि
4 अगस्त 2024 को संडे के दिन कंडक्ट होने जा रहा है। दो शिफ्ट में यहां पर आपका ये एग्जाम होगा। पेपर फर्स्ट कोड नंबर जिसका 1 है वो एग्जाम आपका सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में होगा। इस एग्जाम में आपसे जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर सेकंड आपका जो जिसका पेपर कोड नंबर 2 है ये पेपर आपका दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कंडक्ट होगा। इसमें आपसे जनरल स्टडीज ऐसे एंड कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहां से आप पूरा एग्जाम का शेड्यूल चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप अपना यूपीएससी सीएपीएफ एसी एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।